अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम, प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी के एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने YouTube चैनल का कस्टम URL कैसे हासिल कर सकते हैं और आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कस्टम URL हमें क्यों चाहिए होता है। पहले हम समझते हैं कि URL किसको बोलते हैं। दरअसल URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हमारे पास किसी भी वेब पेज का एक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये हमारे पास जो एड्रेस बार में लिखा आ रहा होता है, ये हमारे पास आ रहा होता है URL। ठीक है, तो अभी ये मेरे जो चैनल का URL जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, ये देखें, अगर मैं किसी को बताना चाहूँ तो ये आसान नहीं है उसको बताना और इसको याद रखना भी ईजी नहीं है। तो इसलिए YouTube हमें ये ऑफ़र देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने चैनल के नेम के हिसाब से या जो भी आपको आसान लगता है, आप अपना एक कस्टमाइज्ड URL जो है वो सेट कर सकते हैं ताकि आप उसको इजीली याद रख सकें और अगर आप किसी को बताना चाहें तो आप उसको इजीली बता सकें। तो चलते हैं, सीखते हैं कि हम अपने चैनल का कस्टमाइज्ड URL जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं फिलहाल लैपटॉप पे ये काम करने लगा हूँ और अगर आपने सेम काम मोबाइल फ़ोन पे करना हो तो आप क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। मेरे सामने यूट्यूब चैनल ओपन है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये हमारे पास आ रही ऑप्शन कस्टमाइज चैनल की, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास चैनल कस्टमाइजेशन में तीन ऑप्शन आ रही होती है, लेआउट की, ब्रांडिंग की और बेसिक इन्फो की। आपने बेसिक इन्फो में आना है तो इसमें हम देखें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है चैनल URL। ठीक है, फिलहाल ये वो URL नज़र आ रहा है जो मेरे चैनल का ऑटोमेटिकली जनरेटेड है YouTube की तरफ से। और यहाँ पे देखें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सेट अ कस्टम URL फॉर योर चैनल, यानी अभी मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि एलिजिबिलिटी से मुराद है कि आपका चैनल इस चीज़ के लिए अहल है या नहीं है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं सेट अ कस्टम URL फॉर योर चैनल पे। तो ये देखें हमारे पास अभी ऑप्शन, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मेरे पास अभी दो ऑप्शन खुद से दे रहा है YouTube और यहाँ पे ऑप्शन आ रही कि मैं इसको खुद से भी बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे लिखा आ रहा है मेरे पास, ये स्टार्ट में YouTube के ही आ रहा है और लास्ट में मेरे चैनल नेम आ रहा है प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ईजी होगा, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि ये किस चैनल पर ये चीज़ आएगी या कौन सा चैनल इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए आपने क्या करना है, ये हम लर्न मोर पर क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है, इसके बारे में डिटेल आ रही है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कस्टम URL एलिजिबिलिटी। इसमें देखें हमारे पास कौन कौन सी आपके चैनल पे चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हैव 100 आर मोर सब्सक्राइबर्स, यानी आपके 100 या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। दूसरा है बी एट लीस्ट 30 डेज ओल्ड, यानी आपके चैनल बनाए हुए कम अज़ कम 30 दिन हुए। और हैव एन अपलोडेड प्रोफाइल पिक्चर, आपने अपने चैनल की प्रोफाइल पिक लगाई हो। एंड हैव एन अपलोडेड बैनर इमेज, और आपने क्या किया हो, बैनर इमेज जो है वो भी आपने लगाया हो। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वी रिजर्व द राइट टू चेंज रीक्लेम और रिमूव कस्टम URL एट एनी टाइम, यानी YouTube के पास ये राइट्स हैं कि वो कभी भी चाहें तो आपका URL जो है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको रीक्लेम कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके जी, तो हम वापस चलते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है तो मैंने ये इसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी ये मेरे पास आ रहा है, इसका स्टार्ट का है, ये हमारे पास YouTube की इन्फॉर्मेशन है और जो ये मेरे पास अभी मैंने सेट करने लगा हूँ वो मेरे पास है प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये मेरे चैनल का नेम है, ये बेस्ट है, मुझे मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें मैं पब्लिश पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। जी तो ये देखें तो ये मेरे पास जो है वो कस्टम URL जो है वो ऐड हो चुका है। तो अब देखें ये मेरे पास बहुत आसान आ गया है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इजीली याद रख सकता हूँ और अगर मैं किसी को बताना चाहूँ तो वो भी बता सकता हूँ। और ये देखें मेरे पास ये भी ऑप्शन आ रहा है कि इसको मैं जब चाहूँ यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ और इसको रिक्रिएट कर सकता हूँ। अभी इसको हम चेक करके देखते हैं कि इसको याद करना कितना आसान है। ये देखें तो यहाँ पर हमने क्या करना है, www.youtube.com/c/ और यहाँ पे मेरे पास है मेरे चैनल का नाम है प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मेरे पास जैसे कैपिटल मेरे YouTube चैनल के नेम में है वैसे ही कैपिटल यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। जी तो ये देखिए मेरा चैनल जो है वो ओपन हो चुका है। इट मीन्स कि मेरे पास जो है इसका कस्टम URL जो है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं ऊपर ये हमारे पास एड्रेस बार में ये हमारे पास इसका URL जो है वो आ रहा है। तो ये कस्टम URL को याद करना आसान होता है और किसी को बताने के लिए हम इजीली इसको बता सकते हैं। जी तो अगर आपका चैनल भी एलिजिबल है कस्टम URL के लिए तो आप ज़रूर अपने चैनल का कस्टम URL लगाएं ताकि आप इसको ईजिली याद रख सकें और किसी के साथ भी शेयर कर सकें। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि आप अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम URL कैसे सेट कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मुलाकात होती है इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।